बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे दोस्तों, माँ अपने बच्चे को फीड करवा रही है, पानी नहीं देना, तो मैं पानी चेंज करके फिर वीडियो काटेंगे। ये देखे हमारा टर्की का चूजा, माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, माशाल्लाह। जो ये पैदा हुआ था मुझे बड़ी फिक्र आने से पकड़ी है। ये देखे ले जी दोस्तों, पानी हमने चेंज कर दिया है, सदात काम हुई है, बिल्कुल हमने काम किया है। वेलकम टू आवर पेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं और माशाल्लाह हमारे सारे जानवर भी खैरियत से हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि ये बहुत ही गंदा मौसम है और अभी मतलब सुबह सुबह का टाइम है, और यकीन करें सिर्फ सफाई करके दाना शाना डाल के और बस हो जाती है। मतलब बैठ के फिर सांस लेना शुरू कर देता हूँ मैं कि यार थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, सांस ले लूँ, फिर उठ के वीडियो बनाना शुरू करूँगा। गर्मी इतनी है, हवा बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब धूप अभी इतनी नहीं निकली, इतनी धूप ना होने के बावजूद गर्मी की शिद्दत क्यों ज़्यादा है कि हवा बिल्कुल साकन है, हवा नहीं चल रही। हवा चलती रही ना तो फिर कोई इशू नहीं होता, फिर मतलब बंदा ईजी रहता है। हवा नहीं लगती ना तो फिर वो मुश्किल हो जाता काम। तो आए अंदर चलते हैं, कुछ चेंजिंग्स की हैं, आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो चले अंदर, केज के अंदर चलते हैं। ले जी, लो मेरे सिर्फ दाना डाल के सांस लेने तक ये दाना चटम कर चुके हैं। इन्होंने कबूतरों ने भी दाना खा लिया, अब ये पानी के लिए आ रहे नीचे, और ये मैंने पानी अभी चेंज करना है। मैं पहले फिर पानी चेंज कर लूँ और फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अब पानी पीना है। तो ये पानी गंदा है तो गंदा पानी नहीं उन्हें देना, तो मैं पानी चेंज करके फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ले जी दोस्तों, पानी हमने चेंज कर दिया है, और ये देखे पानी पीने के लिए कबूतर आ भी गए हैं। अब ये देखे कैसे साफ सुथरा पानी है इस वक्त, और ईंट तक नज़र आ रही है, और जो पहले इसकी हालत थी वो आपने देखी थी कि ब्लैक हो गया हुआ था। और ये पानी के अंदर खड़े भी हो जाते हैं टर्की, और अंदर ये फजला वगैरह भी अपना कर देते हैं, तो इसलिए ये गंदा हो जाता है। तो इसको दो टाइम हम देख, सुबह के टाइम चेंज होता है, फिर दोपहर को दोबारा फिर चेंज हो जाता है। देखें चूज़ा भी आ गया, बारी बारी अब सब आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको ये तादाद कल कोई भाई मैसेज कर रहे थे कमेंट्स में कि आपके रैबिट्स की तादाद कम हुई है, बिल्कुल हमने कम की है इसकी तादाद, रैबिट की आपको नज़र भी आ रही होगी। कम करने की रीज़न भी ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी भी मुझे ये तादाद ज़्यादा लग रही है। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मज़ीद कम कर दूँ, को 5-6 रैबिट्स रहने दूँ, बाकी सारे जो उनसे है ना वो ख़त्म कर दूँ, ज़िबा कर दूँ यानी कि। तो गर्मी हमसे नहीं बियर हो रही, तो मतलब ये किस तरह से सर्वाइव करेंगे गर्मी में। इधर अपने चिक्स देखते हैं हम, हमारे चिक्स की क्या पोजिशन है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, पंख काफ़ी आ गए हैं दोनों के, आपको आवाज़ें भी इनकी आ रही होंगी। ये उनकी अम्मा भी आ गई उनको फीड करवाने के लिए। अच्छा, चेंजिंग्स क्या की थी, मैं आपको चेंजिंग्स बताने लगा था। चेंजिंग सबसे पहले ये किया है कि यहाँ पे मैंने ये फाइबर शीट छोटी सी लगाई है। ये लगाने की रीज़न ये है कि ये बैठी हुई है अंडों पर, इसने अपने अंडे दे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये दाना लगा हुआ है, और यहाँ पे जब टर्की आके दाना खाते हैं, या ये काली मुर्गी ड्राउनी जब यहाँ पे आके दाना खाती है तो वो डरता है, वो अंदर जो कबूतरी है ना वो डरती है। तो यहाँ पे रैबिट भी सारे, तो वो अंदर से चोंच मारती रहती है कि मेरे से पीछे हटो। देखे माँ के पास आए हैं, माँ पास आई है तो साथ ही शोर, मैं अब वीडियो बनाने लग गया हूँ ऊपर की है, तो माँ भी साथ रुकी है, वरना फीड करवा रही थी ना, तो वो डर जाती थी बेचारी, तो अंडे जो उनसे वो सही कवर नहीं थे होते। तो अब ये आराम से दाना खा लेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसलिए एक ये चेंजिंग की, दूसरी चेंजिंग ये की कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अब इनके बैठने के लिए कोई स्टिक नहीं रही, क्योंकि वो सारी स्टिकें इस्तेमाल हो गई हैं केज को खड़ा करने के लिए। यहाँ से भी केज सारा नीचे आ गया हुआ था, तो ये वाली छोटी वहाँ से निकाल के यहाँ पर कर दी है, ताकि इस साइड से जो बैठ रहा था केज वो ना बैठे। ये सारा माशाल्लाह इन्होंने चटम कर लिया, आप कुछ जाके उधर वो रेस्ट कर रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि वो खरगोश नहीं प्रेग्नेंट है, उसका पेट काफ़ी हैवी हुआ हुआ, वो बच्चे देने वाली है। उसकी हालत बता रही है, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ।
ये चेक करें इसका, इसकी हालत बता रही है कि ये बच्चे देने वाली है। अब देखें, मैं भी एक आधे दिन में ये बच्चे दे दें। कबूतर हमारे, इन्होंने भी दाना चटम कर लिया ऑलमोस्ट। जो नया दाना लाए थे ये खाते भी बड़े शौक से हैं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हमारे इस बच्चे की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह से ठीक है और ग्रोथ कर रहा है, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह से। ग्रोथ करनी चाहिए। ये देखिए हमारा टर्की का चूजा माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। जो ये पैदा हुआ था मुझे बड़ी फिक्र थी इसकी कि पता नहीं सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा सरवाइव किया इसने माशाल्लाह। और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया देखिए। लेकिन ये बहुत सुस्त है टर्की जो है ना, ये सुस्त जानवर है। मुर्गी ये मतलब ईजीली पकड़ा जाता है, वो मुर्गी नहीं इतनी आसानी से पकड़ी जाती है। देखिए कितनी आसानी से पकड़ा जाता है ये, उसको पकड़ना पड़े ना तो एक दफा पता चल जाता। ये टर्की चेक करें हमारा, वो उसकी अम्मा खड़ी है, ये दोनों इसके माँ बाप हैं और ये इसकी खाला है। और वो चचेरी है चचेरी नहीं मतलब वो मतलब ये दोनों इकट्ठी आई थी, ये बल्कि तीनों इकट्ठे आए थे, दो फीमेल और मेल, तो ये बाद में आई थी तो ये इनके साथ नहीं एडजस्ट हुई। मतलब ये दोनों फीमेल जो हैं ना वो उसको नहीं अपने साथ रखती, तो ये इसकी दोनों बेगमें हैं, इसको नहीं अभी तक इसने एक्सेप्ट किया, ना इसने इसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट किया। और ये इन दोनों का बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे दोस्तों, माँ अपने बच्चे को फीड करवा रही है दोनों को। ये मैं अब दूर से ना वीडियो बना रहा हूँ जूम करके, क्योंकि जब पास जाता हूँ तो वो छोड़ देती है। ये माशाल्लाह देखें किस तरह से वो अपने बच्चों को खिला रही है। ये देखिए दोनों बच्चों को बारी बारी फीड करवाएगी, अपनी चोंच के अंदर उनकी चोंच लेके, तो जो गुज़ा इसने खाई होती है उसको दोबारा इनके अंदर भेजती है नरम करके उसको। अल्लाह तेरी शान है माशाल्लाह। दोनों बच्चे देखे किस तरह से उसको बुला रहे हैं, चूचू कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन के वो आई है। पहले उसने खुद खाया, खा के फिर वो गई है जाके, अब उनको खिला रही है और उसके बाद फिर दोबारा अपना पेट भरेगी। ये अल्लाह की शान। और ये माँ बाप दोनों फीड करवाते हैं, माँ भी फीड करवाती है, देखिए दोनों बच्चों को बारी बारी फीड करवा रही है। और जब एक बच्चा कर रहा था तो दूसरा बच्चे की खुशी होती है कि मुझे मिले, लेकिन माँ को पता ना कि पहले किसको देना है और फिर किसको देना। एक ने कर लिया फीड, अब दूसरी की बारी है। और इस इन जानवरों में ये भी है ख़ासतौर पर जब मैंने पैरट्स रखे थे कि वो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता था ना उसको फीड करते थे, और जो उससे बड़ा होता था उसको दूसरे नंबर पर फीड किया जाता था माशाल्लाह। तो ये काम चल रहा है इनका। और हमारी ये कबूतरी भी और वो उससे अगली भी और वो भी, इन तीनों का रिज़ल्ट आने वाला। इसका मेरे ख्याल से थोड़ा लेट आएगा क्योंकि ये टर्की के अंडे पे बैठी है और टर्की का चूज़ा निकलना है इसके नीचे से, ये जो वाली है। और बाकी इसके नीचे भी इसके अंडे हैं और उसके नीचे भी उसके अंडे हैं अपने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मुख्तसर सी वीडियो होती है उसको पूरा देखा करें, और पीछे इनकी जंग ही नहीं ख़त्म हो रही, कोई उड़ के उधर जा रहा है, कोई उड़ के इधर आ रहा है, तो ये सिलसिला इनका चलता रहता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर, अल्लाह पाक हम सबके जानो माल में बरकत डालें। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।